राहुल गांधी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये है कि 23 तारीख को सभी जो हैं वो सांसें थाम कर ये सोच रहे हैं कि क्या होगा 23 मई को। राहुल गांधी क्या उम्मीद कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी जीतेगी 23 तारीख को, जनता डिसाइड करेगी क्या होगा और जो जनता कहेगी वो हम मानेंगे। जीतेंगे मतलब अपने बिना पे सरकार बनाएंगे आप? नहीं, लगता है कोएलिशन सरकार बनेगी, मगर ओवरवेलमिंगली जनता नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी, आरएसएस की विचारधारा से नाराज है। नोटबंदी, गब्बर सिंह टैक्स, बेरोजगारी, किसानों की हालत, इकोनॉमी की हालत, भ्रष्टाचार, इन चीज़ों पर चुनाव चल रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने शुरुआत की थी दूसरी मोदी सरकार, फिर दूसरी मोदी, फिर मोदी सरकार, फिर मोदी सरकार से वो चले गए विकास पे, फिर विकास से चले गए नेशनलिज्म पे, फिर नेशनलिज्म पे वापस विकास पे आ गए, फिर विकास से मेरी फैमिली पे चले गए, फिर मेरे फैमिली के बारे में उल्टी सीधी बात बोलने लग गए। तो नरेंद्र मोदी जी आगे पीछे घूम रहे हैं, बट जनता ने डिसीजन ले लिया है। एक नया कल्चर आपने शुरू किया कि इंटरव्यूज आप दे रहे हैं, हालांकि अच्छा होता कि 5 सालों में इतने इंटरव्यूज होते बजाय इसके कि चुनाव के वक्त। हमने देख रहे हैं नरेंद्र मोदी भी कहीं ना कहीं वो पेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो भी इंटरव्यूज दें, हालांकि वो अपने पसंद के लोगों को इंटरव्यू देना नहीं पसंद के लोगों को दे रहे हैं। और आपको नोट शीट दिख रही है मेरे हाथों में? मेरे हाथ में तो कोई नोट शीट नहीं है ना। और मुझे भी आपने सवाल नहीं दिए हैं। नहीं, मैं सवाल भी नहीं दूंगा। देखिए, इतना चैलेंज राजनेता को एक्सेप्ट करना चाहिए। आप एक प्रकार से हिंदुस्तान की आवाज़ हैं, आप हिंदुस्तान की आवाज़ का प्रयोग करके मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। ठीक है, कभी कभी गलती हो जाती है, आपने सवाल पूछा, मैंने गलत जवाब दे दिया, मगर डरना तो नहीं चाहिए ना। तो प्रधानमंत्री जी डरते हैं मीडिया के सामने, बिना कागज़ बिना नोटशीट नहीं आते, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आते, और डर का कारण है, बहुत रीज़न है राफेल, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने 30,000 करोड़ रुपए अनिल अंबानी को दिलवाए, और ये बिल्कुल साफ है, क्लियर कट। एयरफोर्स के लोगों ने बोला कि नरेंद्र मोदी ने डायरेक्ट पैरेलल नेगोशिएशन फ्रांस के साथ और डसॉल्ट के साथ किया। नरेंद्र मोदी के बारे में एयरफोर्स के लोगों ने बोला, ये पारिकर जी डिफेंस मिनिस्टर ने कहा, मैं तो नहीं जानता, नया कॉन्ट्रैक्ट नरेंद्र मोदी जी ने किया, फ्रांस के राष्ट्रपति ने बोला। तो मैं समझता हूँ कि नरेंद्र मोदी डरते हैं। मैंने उनको चैलेंज किया कि भैया आइए भ्रष्टाचार पर बात कीजिए, ओपन चैलेंज। भ्रष्टाचार की चूंकि बात हो रही है, तो राहुल गांधी ये भी सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है कि जब बात आती है रफाल की, बहुत अच्छी बात है कि आपने उसे एक राष्ट्रीय मुद्दा बनाया, लेकिन इसके साथ साथ जो आप अनिल अंबानी का आरोप लगाते हैं कि उनकी कंपनी को तजुर्बा नहीं था, उसके बावजूद भी उनको कॉन्ट्रैक्ट देने की कोशिश की, इसी तरह का आरोप रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर भी लगता रहा है कि जब प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह, हुड्डा जी जो है मुख्यमंत्री थे, रॉबर्ट वाड्रा को आपसे रिश्तेदारी होने की वजह से फ़ायदा मिला। देखिए, इन्वेस्टिगेट कीजिए, पनिश कीजिए, अगर किसी ने कोई गलत काम किया है तो इन्वेस्टिगेट कीजिए, पनिश कीजिए, प्रधानमंत्री हैं, करिए ना, मगर राफेल का भी तो करिए। राफेल में क्लियर कट क्यों नहीं कर रहे हैं आप? लेकिन सरकारें तो आपकी भी रही। हाँ, सरकार मतलब हमारी सरकार तो अब आएगी ना, राफेल तो इनकी सरकार के रॉबर्ट वाड्रा जी के टाइम। बिल्कुल, अगर कुछ गलती हुई है तो इन्वेस्टिगेट कीजिए और पनिश कीजिए। तो और मैं बिल्कुल क्लियर कट आदमी हूँ, कोई भी करे, मेरे परिवार का हो कोई भी हो, न्याय न्याय होता है और सबको मिलता है। राहुल गांधी कैमरे पे ये कह रहे हैं कि 2019 में अगर उनकी सरकार बनती है तो राफेल के साथ साथ रॉबर्ट वाड्रा पे भी जांच होगी। मैं रॉबर्ट वाड्रा राफेल की बात नहीं कर रहा हूँ, जहाँ भी भ्रष्टाचार हुआ है, जिसने भी किया है, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और न्याय मिलना चाहिए। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात, मगर मेन बात यह है ना कि 5 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, सब चीज़ों पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, बट राफेल पे नहीं चल रहा है। कोई ना कोई कारण तो होगा। आप कराएंगे इन्वेस्टिगेशन? मैं नहीं कराऊंगा इन्वेस्टिगेशन, वो तो पूरा प्रोसीजर खराब तोड़ा है उन्होंने, तो होगा ही होगा। राहुल गांधी, आपने एक और जो कल्चरल चेंज लाया वो ये कि आप दिल पर बातों को नहीं लेते। आपने कहा कि ज़्यादा ज़्यादा गलती हो जाएगी, आपको पप्पू तक कहा, आपने उसका भी मजाक उड़ा दिया, लेकिन कई लोग ये कहते हैं कि जो प्रशासन में, एडमिनिस्ट्रेशन में जो आपका तजुर्बा है वो ना होने की वजह से आपने कोई मंत्री पद नहीं स्वीकार किया। क्यों नहीं आपने सचिन पायलट की तरह, या हमने देखा और दूसरे आपके सहयोगी रहे उनकी तरह, क्यों नहीं पहले मंत्री बने आप, फिर प्रधानमंत्री के पद के तौर पर आप अपना हक जमाते? पॉलिटिकल एक्सपीरियंस तो मेरा है, पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है। अब आप ये तो नहीं कह सकते कि पिछले 5 सालों में मैंने पॉलिटिकल लड़ाई नहीं लड़ी। पहले आप कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी को हराया नहीं जा सकता है, लोगों ने कहा कि 10 साल नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बनेंगे। आज कोई भी मीडिया वाला नहीं कह रहा है कि नरेंद्र मोदी जीत रहे हैं,
तो लड़े तो हैं हम, लेकिन क्या सोच है आपको कि आप पहले मंत्री बन जाते हैं तो कम से कम लोगों के सामने? कमिट किया था मैंने, मनमोहन सिंह जी को कमिट किया था कि मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बनेंगे, उनकी सरकार में मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा, 10 साल प्रधानमंत्री बनेंगे। मैंने उनसे कहा कि 2 टर्म मैं पूरा दम लगा के आपको मदद करूंगा, मगर मैं आपकी सरकार में नहीं आऊंगा। 3 बार मनमोहन सिंह जी ने मुझे कहा प्लीज़ राहुल आप मेरी सरकार में आइए, मैंने कहा मनमोहन सिंह जी मैंने आपको कमिट किया था मैं नहीं आऊँगा। आपको लगता है कि उनके पर प्रभाव पड़ सकता था आपके मंत्री बनने से? नहीं, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली इशू बनती, ऑटोमेटिकली बनती, इसलिए कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया जी और मैंने डिसाइड किया था कि हम एक धारी बना दें, लाइन बना देंगे, सरकार को चलाना इस साइड और पार्टी को चलाना इस साइड। बेहद महत्वपूर्ण सवाल है पुलवामा को लेकर, आपने ऐसा लगा कि एक तरह से एक स्टेट ऑफ पैरालिसिस में कांग्रेस पार्टी आ गई, उसको समझ में नहीं आया कि पुलवामा हमले के बाद किया क्या जाए? ये आपको किसने बताया? अग्रेसिव तरीके से आप देखिए, ममता बनर्जी ने सवाल उठाया कि इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, आपके यहाँ से कभी इस बात नहीं? देखिए मैंने बड़ी क्लियरली बात बोली, कोई कन्फ्यूजन नहीं था, मैंने पर्सनली जानबूझ के पर्सनली प्रेस कॉन्फ्रेंस किया क्योंकि मैं मैसेज देना चाहता था पुलवामा के समय कांग्रेस पार्टी पॉलिटिसाइज नहीं करेगी, कुछ भी हो जाए हम अपने शहीदों का पॉलिटिकल यूज़ नहीं करेंगे। मैंने क्लियरली बोला, मैंने बोला कि हम सीआरपीएफ के लोगों के साथ हैं, हम हिंदुस्तान की सरकार के साथ हैं। सरकार के साथ भी बोला आपने? मैंने बोला, और मैंने बोला आप हमारे मुँह से आप आर्मी का पॉलिटिसाइजेशन नहीं सुनेंगे। नरेंद्र मोदी ये नहीं सोचते, नरेंद्र मोदी जब बॉम्बे अटैक हो रहा था, नरेंद्र मोदी ताज होटल के सामने खड़े थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, अंदर लोग मर रहे थे, तो उनको तो उसका पॉलिटिकल यूज़ बनाना है, हम इन चीज़ों का पॉलिटिकल इंटेलिजेंस के लिए तो आपको उठाना चाहिए था। 40 से ज़्यादा हमारे जवान मारे गए, सरकार से कोई जवाबदेही नहीं मांग रहा है? वो टाइमिंग की बात है, उस टाइम नेशन का मूड डर गए थे आप? नहीं, नेशन को देश को चोट लगी थी, नहीं कि राष्ट्रवाद के मुद्दे पर मेरी बात तो सुनिए ना आप, देश को चोट लगी थी और देश जब देश को चोट लगी थी हम उसका आदर करना चाहते थे, उसका रिस्पेक्ट करना चाहते थे, इसलिए हमने उन चीज़ों पर सवाल नहीं उठाए। डरते नहीं हैं हम, मगर हम देश के जो सेना है, देश के जो शहीद हैं, उनका आदर करते, रिस्पेक्ट। लेकिन मेरे जैसे पत्रकार हैरान हो रहे थे कि हम इंटेलिजेंस फेलियर की बातें उठा रहे हैं, लेकिन ऑपोजिशन पार्टी, क्योंकि ऊर्जा पत्रकारों को, ऑपोजिशन को, सबको एक दूसरे से ऊर्जा मिलती है। आप बताइए, आपको क्या लगता है नरेंद्र मोदी को अगर पॉलिटिकली हराया जा रहा है और अगर पॉलिटिकली घेरा गया है तो आपको क्या लगता है कि पत्रकारों को रोल, पत्रकारों ने ये रोल प्ले किया है? सवाल उन्होंने भी उठाए, मेरे जैसे पत्रकारों ने सवाल उठाए। हाँ, आप जैसे लोगों ने उठाए, बट बल्क जो प्रेस वाले थे उन्होंने नहीं उठाए। अगर कोई संगठन लड़ा है, अगर कोई जोनों से लड़ा है, अगर कोई पीटा गया है, तो कांग्रेस पार्टी लड़ी है। नरेंद्र मोदी आपकी थोड़ी बात करते हैं, नरेंद्र मोदी कांग्रेस की बात करते हैं। नरेंद्र मोदी ये थोड़ी बोलते हैं कि भैया पत्रकार मेरे पर आक्रमण कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि कांग्रेस पार्टी आक्रमण कर रही है। तो लड़े तो हम हैं, और हम कैसे लड़े हैं? कांग्रेस पार्टी नहीं लड़ी है, हमने जब जनता की आवाज़ है उसको इस्तेमाल करके हम लड़े हैं। ये जनता के मुद्दे हैं, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, किसानों की हालत, इकोनॉमी का हालत, नोटबंदी, गब्बर सिंह टैक्स, हमने जनता की आवाज़ सुनी और हमने जनता की आवाज़ उठाई है। जनता की आवाज़ जो उठाता है वो किसी से डरता नहीं है। आप गलत फहमी में हैं, तक देखा है राष्ट्रवाद का मुद्दा, राष्ट्रवाद का मुद्दा, आप यकीन जानिए कि लोगों के ये पूरी तरीके से पॉलिटिकली बीजेपी भुना चुकी है, आपको ये मानना पड़ेगा कि बैकफुट पर आप आ गए थे राष्ट्रवाद। बिल्कुल बैकफुट पे नहीं आया, आप देख लेना, मैं आपको देख लेना 23 मई को देख लेना क्या होता है, बैकफुट पे कौन जाता है। मैं आपको गारंटी कह के कह रहा हूँ, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन रहे, कांग्रेस पार्टी नहीं बन रही है, कांग्रेस का जो कोलिशन है जीत रहा है। आखिरी सवाल आप आखिरी सवाल मेरा आपसे इस बात को लेकर है कि सैम पित्रोदा का भी बयान आया 1984, लगातार इसको लेकर जो है मुकाबला चलता रहता है, हमने देखा कि दोनों मामलों में कहीं ना कहीं जो सत्ता है, जो सरकार है, उसकी भागीदारी रही, पुलिसमैन से लेकर पॉलिटिशियंस तक जो है वो गिल्टी नहीं हुए। आपके साथ अच्छी बात रही, आपने माफ़ी मांगी, उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी। क्या आप कमिट करेंगे यहां कैमरे के सामने कि आपकी सरकार बनती है तो आप ऐसा कानून बनाएंगे कि अगर ऐसा कोई मास वायलेंस होता है तो कानून के तहत पॉलिटिशियन भी आए? मैंने बिल्कुल क्लियरली जो सैम पित्रोदा ने बोला, मैंने उनसे कहा कि देखिए आपको अपोलोजाइज करना पड़ेगा, मैंने उनको कोई ऑप्शन नहीं दिया, मैंने कहा कि आपने बिल्कुल गलत बोला है, बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट है, गलत है, इसके बारे में आपको अपोलोजाइज करना ही पड़ेगा। देखिए जिन्होंने भी कानून तोड़ा है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनको पनिश किया जाना चाहिए, बिल्कुल क्लियर कट है। मास वायलेंस के खिलाफ कानून बनाएंगे आप? बिल्कुल क्लियर कट है,
उसके बारे में देखा जा सकता है, मगर क्लियर कट बात है, अगर किसी ने कानून तोड़ा है, अगर किसी ने हिंसा का प्रयोग किया है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी पड़ेगी। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।